सो अभी मॉर्निंग हो गई है और सर मैं जी अभी अपने घर में और इट इज 6:30। सो जैसे भी उठेंगे मैं इस एरिया में आकर के बैठती हूँ सुबह। दिस इज माई फेवरेट प्लेस, तो थोड़ा देर यहाँ बैठती हूँ 15-20 मिनट या 5 मिनट, और अपना गर्म पानी पीती हूँ यहाँ बैठ के थोड़ी शांति से, और फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि अब क्या करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो पहले तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पूरी करूँगी, लाइक मॉबिंग, यू नो, उसके बाद में ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद में आई गो गेट फ्रेशन अप और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह के बारे में देखूँगी, क्योंकि आज सैटरडे संडे, वैसे तो लॉकडाउन में सारा ही दिन सैटरडे संडे है, बट हम लोग स्पेशली सैटरडे संडे के दिन कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं कंपैरेटिवली हर दिन के रूटीन से। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने छोले भिगा करके रखे हुए हैं, और बट उसको हम एक तरीके से हैवी लंच या ब्रंच करेंगे, लेकिन क्योंकि इतनी देर तक, बिकॉज छोले भटूरे बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा हल्का कुछ नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद फिर उसकी तैयारी करूंगी। तो यही है नॉर्मल डे और नॉर्मल डे की शुरुआत। तो ठीक है, फिर आप लोग भी सुबह उठे हैं, और जिसको भी मतलब कोई ग्रीन टी से शुरुआत करता है, कोई गर्म पानी से, कोई लेमन वाटर से, मैं भी लेमन वाटर ही पीती थी, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह ही, लेकिन क्योंकि मैं भी फीडिंग मदर हूँ तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप फीडिंग मदर हैं तो मतलब एप्पल साइडर विनेगर हुआ या लेमन हुआ, थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। इसीलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट फॉर 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम अभी, मतलब अभी मेरी बच्ची 7 महीने की है, तो कम से कम साल भर तो मैं इंतज़ार करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी नॉर्मल शेप में आने के लिए। तो यही है और तो कुछ नहीं, तब तक चलिए थोड़ा बैठते हैं, आपके साथ में चिट चैट करते हैं, उसके बाद मैं उठूँगी और अपने काम में चलूँगी। यही रहता है क्वारंटाइन के समय में, हम नॉर्मल जो मदर्स हैं उन लोगों के साथ में यही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग इस समय ऑक्यूपाइड हैं, बिकॉज सब लोग घर पे हैं, तो कुछ ना कुछ डिमांड्स तो किसी की नहीं होती, बिकॉज मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बच्ची हैं। दोनों बच्चियों में से बड़ी वाली जो है शी इज़ 5 ईयर्स एंड शी इज़ एटलीस्ट वेल बिहेव्ड, उसको कोई चीज़ समझाइए तो समझ जाती है, शी इज़ नॉट अ वेरी ट्रबल मेकर, बट स्टिल अगर वो भी वो ट्रबल मेकर नहीं है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसकी वजह से। तो ये इसकी वजह से भी फिर मेरे अपने भी कुछ काम होते हैं, जैसे मेरा टीचिंग ब्लॉग है, मैं 9th-10th के बच्चों को सोशल स्टडी भी पढ़ाती हूँ, तो उसका एक अलग काम रहता है, उसका बहुत ज़्यादा काम रहता है, बिकॉज़ उसके नोट्स रेडी करने पड़ते हैं मुझे भी, और फिर ऑनलाइन जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो वो एक काम है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ चला जाता है। और छोटी बच्ची है तो उसकी पूरी डिपेंडेंसी मुझ पे है, तो उसको देखना, फिर उसके बाद में शिवन्या है मेरी जो बड़ी बच्ची है, उसके बारे में देखना, उसको भी पढ़ाना, क्योंकि शी जस्ट नाउ शी हैज मतलब शी जस्ट कम्प्लीटेड हर नर्सरी, कम्प्लीटेड मतलब उसका अभी बच्ची है तो कम्प्लीटेड नहीं मानेंगे, बिकॉज लास्ट का मंथ तो उसका गैप ही हो गया, बट आई थिंक वो लोग प्रमोट ही करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो है उसका LKG है, सो आई एम ट्राइंग कि मेरी एक हैबिट है कि मैं उसको हर चीज़ थोड़ा प्रायर करा देती हूँ, ताकि वो जब उस क्लास में जाए तो वो एक तरीके से उसके लिए रिविजन क्लासेस रहें। तो वैसे शी इज़ ब्राइट, मैंने उसको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ा दी हैं, बट फिर भी उसको, छोटी बच्ची है ना, तो वो भूल मत जाए उन चीज़ों को, तो उसको बहुत रेगुलर करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनिशियली करनी पड़ी 5-6 दिन, अब तो बस वो उसको प्रैक्टिस कराती हूँ, तो मैं डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करा ही देती हूँ मैं उसका। फिर मेरे हस्बैंड हैं, तो उनकी तो अपने
अब लॉकडाउन के समय उन लोगों से तो ज़्यादा ही काम करवाया जाता है मुझे लगता है नॉर्मल डेज से, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग घर से काम कर रहे हैं तो 9 to 6 की जॉब तो है ही बिकॉज आईटी वालों की। उसके बाद भी कुछ कॉल्स रहते हैं, मीटिंग्स रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं। फिर उठो, फिर ब्लॉग, पूरे दिन भर का ब्लॉग भी बनाओ, इसलिए बहुत कंटिन्यूस तो नहीं बना पाती हूँ शॉर्ट टर्म्स में। लाइक अभी बैठी हूँ तो 5 मिनट ब्लॉग बनाऊँगी, उसके बाद उठूँगी तो सारा काम करूँगी, फिर जब किचन में घुसूँगी तो ब्लॉग बनाऊँगी, तो थोड़ा ऐसे ही कर करके ब्लॉग बना रही हूँ मैं इधर बीच। सो लेट्स सी कैसे जानता है मुझे। एक्चुअली घर का भी बनाना है बट उतना टाइम नहीं मिल पाता है अभी कि घर का भी ब्लॉग बना पाऊँ, तो इसके लिए पर बनाऊंगी कभी। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि घर का टूर कराने के लिए, नॉट टूर तो मैं आपको वैसे अभी भी करा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट रूम है एक्चुअली। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हूँ बिकॉज मैं अपनी जो स्टडी व्लॉग है वो भी यहीं से बनाती हूँ, और हम लोग फैमिली टाइम भी यहीं, जो हमारा ड्राइंग रूम एक्चुअली में खाली रहता है, हम लोग नॉर्मली सिर्फ टीवी देखने जाते हैं तो ही उस रूम में जाते हैं, एंड क्योंकि किचन भी इसी से अटैच है तो ऑब्वियसली सब यहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहती हूँ, इट्स गुड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ईजीली। दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस रूम टू बी, यू नो, एक रिक्रिएशन रूम टाइप का बना देते हैं उसको। फाइन, तो फिर जल्दी से पानी ख़त्म करते हैं और काम पे लगते हैं, क्योंकि सभी दोनों सो रही हैं, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से ग्रूमिंग और मॉबिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जब चाय पीने बैठती हूँ अपने हस्बैंड के साथ तो फिर आपसे फिर बात करूँगी। सो नाउ फिनिश्ड ऑल द एक्टिविटीज, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके, फ्रेशनर हो करके, अभी बच्चे सो रहे हैं, से जल्दी भी सुन रहे हैं, और मेरे हस्बैंड हम सोच रहे हैं जल्दी भी चाय पी लेते हैं, और फिर चाय पी करके उठते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आप लोग भी शेयर करिए अपने आइडियाज़ की, आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली सुबह उठ करके। ये मेरा नॉर्मली, चाहे ये आपका लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। बस इसमें जो है हाउस एक्टिविटीज़ जो हैं, जो डेली चोर्स हैं हमारे, ये झाड़ू पोछा है और बर्तन वगैरह, ये बस इसमें इंक्लूडेड नहीं थे क्योंकि मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प है, सभी के पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो बट क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में पिछले एक महीने से तो मना कर दिया है मैंने उसको आने के लिए, और वो उसके लिए भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और हमारी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं पूरे मई तक मैं उसको नहीं बुलाने वाली हूँ, क्योंकि बात लॉकडाउन के ख़त्म होने की नहीं है, बात यह है कि वायरस का कोई एक वैक्सीनेशन आना चाहिए। जब तक वो नहीं आता है तब तक आप कोशिश करिए कि आप लोगों के साथ एक डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई प्रेफर कि मैं उसको ना बुलाऊँ, तो एंड इट्स ओके, इट्स फन, राइट? अभी हम अपना वेट लॉस करने के लिए, इन सब करने के लिए जिम भागते हैं एंड ऑल, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ना, आप अपने ही घर के काम को करिए। आई थिंक झाड़ू पोछा करने में आपकी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है, और मैंने तो देखा भी है बिकॉज मैं आई लॉस्ट 2 to 3 kgs ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, सो इट इज़ फन ऑल्सो। अपना घर अपने आप साफ करने से कम आपको पता होता है कोने कोने की सफाई करनी है ना, और थोड़ी और आप ऑन द टोज रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग जगना, पूरा काम करना बच्चों के उठने से पहले एंड ऑल, सो सम एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि एक कंप्लीट सी फीलिंग आती है कि नहीं, आई हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली ऑन टाइम। सो एक खुद है, अपना अपना सबका नेचर है, मेरा ऐसा नेचर है कि अगर चीज़ें ऑन टाइम हो जाएं और सारी मेरी तरीके मेरी तरफ से हो तो मुझे सोने से पहले कंप्लीट फीलिंग आती है। सो बस अब जल्दी जल्दी से चाय फिनिश करते हैं, थोड़ा ये मेरा और सौरभ का मी टाइम होता है, क्योंकि हम नॉर्मली मैं और सौरभ को ऐसे खाली समय कम मिलता है बिकॉज जब बच्चे जग जाते हैं तो फिर हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सौरभ का ऑफिस शुरू हो जाता है एंड ऑल, तो इसीलिए सैटरडे भी है इसलिए सौरभ भी जल्दी उठ जाते हैं, तो हम लोग एक साथ चाय वाय पियेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग उठेंगे, तो तब बताऊँगी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। आज बहुत सिंपल बनेगा बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया कि आज जो है हमारा छोले भटूरे का प्लान है,
तो वो हैवी ब्रंच टाइप का हो जाता है, लेकिन फिर भी ब्रंच मतलब ब्रंच ही रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी क्योंकि हम लोगों को जल्दी उठ के कुछ खाने की आदत है तो हम लोग हल्का सा कुछ ले लेते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद आराम से छोले बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। तो ठीक है, मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ, थोड़ा मैं उस औरत को थोड़ा गुफ्तगू कर ली, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ।